संतोष चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता बारासात मध्यम ग्राम ट्रैवल हाइपो। अभी अलीपुरगढ़ जंक्शन में, यहाँ से मैं इंजीनियर के लिए वापसी करूँगा। आया था डिस्टर्बन कोच में और जाऊँगा सीसी में। तो मेरा ट्रेन का नंबर है 15778 जो कि अलीपुरद्वार से इंजीनियर तक जाती है। अभी टाइम हो रहा है 1:15, ट्रेन हमारी मेरी ट्रेन जो है वो उसका डिपार्चर टाइम है आपका 2 बजे और यहाँ पे खड़ी है कंचनपुरा एक्सप्रेस। स्टेशन वो देखिए, वहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है। आधा घंटा जैसा है बट प्लेटफॉर्म में जाता हूँ फटाफट और अगर खुला हवा मिलेगा जाके बैठ जाऊँगा। ये मेरा कोच सीवान जो स्वागत जी का कोच है और ये है नॉन एसी चेयर। सीट का जो कॉम्बिनेशन है वो है 3x2 ब्लू कलर का सीट है। वही शताब्दी में जो मिलता है वही वाला सीट है और साफ सफाई तो साफ सुथरा है। कोच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मल शताब्दी का कोच होता है वैसे ही कोच है। नीचे फुटरेस्ट, साइड में ये लीवर, उसके बाद है आपका पर्दा, उसके बाद चार्जिंग, हर सीट में एक एक करके चार्जिंग, सामान रखने का बहुत बड़ा वाला है और ये है आपका रीडिंग लाइट। यही है नॉर्मल जो आपका शताब्दी वगैरह में जो कोचेस में जैसा कॉम्बिनेशन रहता है वैसा ही है, सेम शताब्दी का कोच ही है एक्चुअली में। तो आते समय जो मैंने विस्तारम कोच में आया तो उसमें क्या है ना कि कोच तो बहुत सुंदर है, साफ सफाई, 2x2 सीट है, लेग्स स्पेस भी बहुत है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि इस कोच में आप देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट में टेबल है, तो क्या होता है ना इसको टेबल को ऐसे करके आराम से खा सकते हैं और उसमें ऐसे साइड से ये वाला चीज़ें ऐसे साइड से निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये जो बैग है, जैसे कि बैग रखने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर जो है आपका बैग रखने का ये सब जगह है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उसमें जो है मुझे बैग रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब बैग मुझे नीचे ही लगभग रखना पड़ रहा था, तो ये था एक प्रॉब्लम। अब ऊपर जैसे ग्लास है तो इसलिए शायद ऊपर बैग रखने का नहीं दिया है, वही रीज़न होगा, बट वही है थोड़ा सा बैग का प्रॉब्लम, मतलब जो पीठ का बैग वगैरह है, बैग पैक होता है, तो वो सब रखने के लिए जगह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जोड़ों का भूख, तो अभी ये सैंडविच है, सैंडविच को खा रहा हूँ, भात वगैरह भी था तो स्टेशन से बाहर था, अभी भात खाने का मन नहीं है, खा पहुँच ही जाऊँगा शाम तक।
तो एकदम डायरेक्ट घर जाके बात खाऊंगा, तो अभी सैंडविच खा लेता हूँ। एकदम ऑन टाइम हमारी ट्रेन आपको दो जंक्शन से निकल रही है। हाजी महाराज राजाबाद का स्टेशन आ रहा है, तो अलीपुरद्वार से राजाबाद का स्टेशन आने के टाइम में आपका फिर से वो, तो फिर से हम लोग पहुँच गए राजाबाद का स्टेशन में। और रिटर्न जाते समय भी NGP अलीपुरद्वार से NGP के बीच 7 हॉल्ट है। अलीपुरद्वार के बाद होगा राजाबाद का, उसके बाद होगा हाँसीमारा, उसके बाद होगा मादरीहाट, उसके बाद होगा चालसा, उसके बाद मालबाजार, मालबाजार के बाद होगा सेवोक, और सेवोक के बाद सिलीगुड़ी जंक्शन, और उसके बाद NGP। मैं रिटर्न जाते समय मैं NGP तक नहीं जाऊंगा, मैं आपका सिलीगुड़ी जंक्शन में उतर जाऊंगा, क्योंकि सिलीगुड़ी जंक्शन से मेरा घर पास में है। सिलीगुड़ी जंक्शन में पहुंचने का टाइम है इस ट्रेन का लगभग 7 बजे। तो अभी मैं आया हूँ वॉशरूम में, और वॉशरूम का थोड़ा रिव्यू कर लूँ, देखते हैं कि कैसा है वॉशरूम। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर साफ सुथरा है, बेसिन लगभग क्लीन है, उसके बाद टॉयलेट ठीक ठाक है। ये है फ्रेशनर, नहीं ये सोप वगैरह है नहीं, ये शायद फ्रेशनर है, फ्रेशनर काम नहीं कर रहा है। स्मोक डिटेक्टर, टॉयलेट का सीट पेपर जो नहीं है, और ये बॉक्स कवर। ओवरऑल जो आपका वॉशरूम जो है वो ठीक ठाक ही है, सब सब है, स्मेल बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक है। जो है हम लोग एंट्री कर रहे हैं हाँसीमारा स्टेशन में। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं मादरीहाट स्टेशन में। Thank you.
व्यू देखें, ना सुंदर बहुत अमेजिंग व्यू है आप जस्ट देखिए। थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ स्टेशन कैसा है। ये रहा टिकट काउंटर, तो यहाँ पे आपका गाड़ी वगैरह टोटो वगैरह मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग सामसिंग वामसिंग भी गाड़ी करके जा सकते हैं। तो ये था हमारा को पैसेंजर, आपका नाम बोलिए। संतोष चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता बारासात मध्यम ग्राम। तो हमारी ट्रेन अब चालसा स्टेशन से निकल रही है, तो अब चालसा के बाद और दो ही स्टेशन बसता है, एक है मालबाजार जंक्शन, उसके बाद शेबक, उसके बाद सिलीगुड़ी जंक्शन। हालांकि ये ट्रेन इंजी भी तक जाएगी, बट मैं सिलीगुड़ी जंक्शन उतर जाऊँगा। तो और दो स्टेशन जो पैके तो खाना मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह कुछ खा गया था बात वगैरह वही, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सीधा पिज्जा के रात खाऊंगा। अब टाइम है चॉकलेट का, पूरा दिन वीडियो बनाते मैं थक चुका हूँ, अब थोड़ा सा चॉकलेट खाता हूँ और जल्दी घर पहुँचा। बहुत जोरों से बोलता है। तो यही सेवक का स्टेशन पहुंच चुके हैं। सेवक स्टेशन में कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ अंधेरा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन में,
ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कि कामाख्या टेम्पल को। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।